नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से अर्जुन और बात की जाए प्रीता तो दोनों के बीच में एक कोइंसिडेंस होता है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं सभी के सामने बोलता हुआ नजर आएगा अर्जुन कि प्रीता तुमने मेरा वाकई में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ लोगों से तुमने दूर किया हूँ, आज तुम्हारी बदौलत में यहाँ पे खड़ा हूँ, नहीं तो मेरा एक अलग ही मुकाम होता। जी हाँ, जिसके बाद में ऋषभ भी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये अर्जुन कह क्या रहा है, क्योंकि अर्जुन जिस तरीका से कह रहा है इस चीज़ को ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अर्जुन को कहीं ना कहीं आज भी वो दर्द है प्रीता और ऋषभ के लिए, अनजाने में ही सही लेकिन वो दर्द आज भी महसूस होता है, क्योंकि अर्जुन को यही लग रहा है कि मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रीता और ऋषभ ही हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अपकमिंग एपिसोड में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर अर्जुन और ऋषभ के बीच में बातचीत होती है, जिसमें अर्जुन वाकई में ऋषभ को समझाता हुआ भी अच्छे ढंग से नज़र आने वाला है। जी हाँ, बोलता हुआ नज़र आएगा कि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम लोगों ने तो उल्टा ही मेरे ऊपर आरोप लगा दिया है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मारने की कोशिश करता तो तुम ये बताओ कि मैं हॉस्पिटल तुम्हें टाइम से क्यों पहुंचाता, क्योंकि अगर 2 मिनट लेट पहुंचाता तो तुम्हारी डेथ हो सकती थी, और एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें खून नहीं देता तो भी तुम्हें दिक्कत हो सकती थी, मैंने हर वो फ़र्ज़ निभाया एक जो छोटे भाई को फ़र्ज निभाना चाहिए, और उसके बावजूद तुमने बदले में मुझे क्या सिला दिया कि बदले में तुमने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं तुम्हें जान लेना चाहता हूँ सिर्फ पृथ्वी के कहने पर। ये वही पृथ्वी है कि जिसने तुम्हारा पूरे का पूरा घर बर्बाद कर दिया, और आज भी तुम उसी की बात मानी ताकि मुझे यहाँ से निकाल सको फैमिली के दिल से। जी हाँ, अब ऋषभ को कहीं ना कहीं बात समझ में आने लगी है अर्जुन की, अर्जुन सही बोल रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज एंड लव यू।